है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव नगला गंगाराम में रविवार को पाल बघेल गडरिया धनगर समाज के लोगों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने पर प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया। धनगर महासभा के प्रदेश महासचिव भंवर सिंह धनगर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन गांव नगला गंगाराम में किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के पाल भगेल धनगर गडरिया समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तहसीलों में उनके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो वह धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं, साथ ही साथ जारी कर भी दिया है, इसके बावजूद भी हमारा पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। समाज के लोगों द्वारा ऑनलाइन करने के बाद भी प्रमाण पत्रों को नष्ट किया जा रहा है, समाज में रोष है। बैठक में धनगर समाज के लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। नाम डॉक्टर पुष्पा धनगर है, मैं प्रांतीय धनगर समाज सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा उद्देश्य ये है, मैं हर जगह जाती हूँ। अभी कल मोट भी गई थी, रात में 12:30 बजे आप आई हूँ, वहाँ भी मैंने एसटीएम का घेराव किया इसी उद्देश्य पर कि धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। और जिस जगह पे जाती हूँ उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं आप जारी कर दूँ, और इसी उद्देश्य से आज यहाँ रणनीति बनाई गई है कि यहाँ पर जो एक प्रमाण पत्र बन चुका है उसके बाद भी रोक लगा दी गई है, तो वो रोक ना लगे और हमारे समाज के सभी प्रमाण पत्र बनाए जाएं, जिससे हम लोग अपना जो संघर्ष कर रहे हैं तो वो संघर्ष जारी हो और जो शासन आदेश आया है उसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं उसका पालन हो, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और भी उसके आगे रणनीति भी हमारी आगे जारी रहेगी अगर प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। आज का मीटिंग का उद्देश्य हमारा ये है, 24 जनवरी को स्पष्ट शासन आदेश हो गया है कि धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, उसके बावजूद भी हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं और अधिकारियों की मानसिकता सही नहीं है, इसलिए हम लोगों को यह निर्णय के मजबूर होना पड़ रहा है कि अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन आज भूख हड़ताल की जाए और जिससे हमारे प्रमाण पत्र जल्द से जल्द नहीं है, शायद सिर्फ अधिकारियों की मानसिकता की है। अधिकारी जाटअप लोग ज्यादा ऐसी के हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी बराबरी पे जो लोग हैं उनको अच्छा का लाभ मिले, और नेता की हमारे की सरकार की स्पष्ट मंशा है, स्पष्ट आदेश किया है, अधिकारियों की मानसिकता खराब है। गांव नंगला गंगाराम में जो धनगर समाज की मीटिंग हुई है वो निर्णय ये लिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 24 जनवरी 2019 को एक शासनादेश जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कि ये नीति है कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट मिले। जिला फिरोजाबाद में डीएम ने भी तहसीलदार और एसडीएम को आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन टुंडला तहसीलदार अपने कार्यालय से लेखपाल कानूनगो को कोई भी आदेश नहीं दे रहे, तो इस लिए हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है, एक प्रमाण पत्र भी बनाया और 24 अक्टूबर 2013 को एक शासनादेश हुआ तो पत्र बने थे काफी लोगों के धनगर समाज के। अब यहाँ पर एक बिना जांच किए हुए तहसीलदार ने लेखपाल कानूनगो से और अपने आप ही अपने कार्यालय से मनगढ़ंत ऐसी मानसिकता रखते हुए और उन्होंने कह दिया कि यहाँ क्षेत्र में टुंडला तहसील में कोई भी पाल बघेल धनगर लोग रहते हैं, वो पाल बघेल गडरिया रहते हैं, धनगर नहीं रहते हैं। तो इसलिए धनगर समाज में एक रोष व्याप्त है कि ऐसे अधिकारी की मानसिकता और अपने ऑफिस में बैठ करके इसकी जांच लेखपाल कानूनगो से कराते या किसी सक्षम अधिकारी से कराते उसके बाद ये बयान देना चाहिए। ऐसे अधिकारी की सोच के लिए यहाँ पर एक मीटिंग की गई है, धनगर समाज उसकी निंदनीय घोर वो करता है और आगे की दंडात्मक कार्रवाई शासनादेश में है, उसके लिए धनगर समाज के लोग आगे जन सुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री पर भी दे रहे हैं। अगर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर धनगर समाज के सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में जारी करती है तो निश्चित तौर से 2019 में फिर दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, धनगर समाज का एक एक बेटा इस ऋण को चुकाने का काम करेगा।